शाही बिरयानी, चिकन बनाने के लिए चिकन ड्रम स्टिक 700 ग्राम, लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, नींबू का रस दो खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, जाफरान एक चुटकी, दही एक कप, तेल हसबे जरूरत, नमक हसबे जायका। कोरमा बनाने के लिए प्याज दो अदद, दही एक पाव, अदरक लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई एक चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला आधा कप, खुश्क खुबानी 100 ग्राम, आलू बुखारा 100 ग्राम, बादाम 20 ग्राम, पिस्ता 20 ग्राम, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, तेल 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हसबे जायका। चावल बनाने के लिए सेला चावल आधा किलो, तेज पात 2 से 3 अदद, शाह जीरा आधा चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका। चिकन बनाने का तरीका, मिक्सिंग बाउल में दही के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके चिकन को मैरिनेट कर लें, पैन में तेल गरम करके चिकन को फ्राई कर लें, अब इसमें दही को फेंट कर शामिल कर लें और हल्की आंच पर दम पर लगा दें, दही जज्ब हो जाए तो उतार कर एक तरफ रख दें। कोरमा बनाने का तरीका, पैन में तेल गर्म कर लें और साबुत मसालों को कड़कड़ा लें, अब इसमें प्याज अदरक लहसुन को फ्राई कर लें, पहले से तैयार चिकन का मेजा शामिल करके मिक्स कर लें और पैन में डालकर भून लें, हसबे जरूरत पानी शामिल करके कोरमा इतना पकाएं कि तेल छोड़ दे, अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करके मिक्स कर लें और उतार कर एक तरफ रख दें। चावल तैयार करने का तरीका, चावलों को धोकर 2 घंटे के लिए भिगो लें, पतीली में शाहजीरा, नमक, पानी और तेज पात शामिल करके इतना पकाएं कि खुशबू आ जाए, अब इसमें चावल शामिल करके एक कनी बॉईल कर लें और निकाल कर छान लें। तह लगाने का तरीका, पतीली में कोरमे की तह बिछाएं, ऊपर आधे चावल डालें, फिर ड्रम स्टिक रखें, फिर कोरमा, हरी मिर्चें डालें, फिर चावल, फिर बचा हुआ कोरमा और चावल बिछाएं, अब इसे दम पर लगा दें, दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें और सर्व करें। अस्सलाम वालेकुम, वॉज क्रीमी डिलाइट प्रेजेंट अ फूड स्टेशन विद शेफ गुलजार, मैं आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह हमारा जो है, बहुत सारे शोज आपने देखे, पसंद किए, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे मैसेजेस आपके मिले और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा तोहफा, वो है शाही बिरयानी। ईद करीब आने वाली है, अब जो हम रेसिपीज कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वो आपके ईद पर काम है, इसलिए कि अब तो इफ्तारी का टाइम ख़त्म हो गया है और अब आप इफ्तारी जो है, सारी चीज़ें हमने आपको सिखा दी, अब जो है ईद की तैयारी करेंगे, और ईद की तैयारी के लिए मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली रेसिपी आज की है, वो है शाही बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी होती है ये। इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है खुशबू के लिए, हमने इसमें साबुत गरम मसाले, जिसमें थोड़ी सी दालचीनी है, बादियान का फूल है, लौंग है और इलायची है, तो ये चीज़ें आपने पहले ऐड कर देनी है इसमें, और इसके बाद इसे कड़कड़ा लेना, तो इसकी खुशबू जो है वो पूरे खाने में आपके शामिल हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा कड़कड़ा कड़कड़ा आवाज़ आने लगी आपको, कड़कड़ाहट की, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज। ठीक है जी, प्याज ऐड हो गया है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि आपके पास जब बिरयानी तैयार होना, तो बस क्या बात है, स्पेशल किस्म की बिरयानी हो और इसका मज़ा जो है ना दोबाला हो जाए। इसी दौरान मैंने जो काम पहले से करके रखा है वो है राइस, सेला राइस हो तो तकरीबन 2 घंटे धोकर पानी में भिगो कर रखें, या अगर बासमती है तो उसको आधे घंटे भिगो कर रखें, और उसके बाद आपने इसे पानी में बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए इसमें 1 चाय के चम्मच जीरा, आधा चाय के चम्मच नमक और तेज़पात डालकर इसे आपने एक कनी बॉयल कर लिया, और बॉयल करने के बाद यहाँ मैंने अपने पास इसे तैयार करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें जो अज्जा जाएंगे बहुत ही मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि अक्सर जो हम बिरयानी बनाते हैं नॉर्मल, उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं डलती हैं, लेकिन इस बिरयानी के अंदर ड्राई फ्रूट भी है, और ड्राई फ्रूट में बादाम भी है, पिस्ता भी है, और साथ में
खुबानी भी है और आलू बुखारा भी है। खुबानी का मीठा टेस्ट है और आलू बुखारे का जो है वो खट्टा टेस्ट है। तो इस तरह से मिलकर ये शाही बिरयानी तैयार होगी। ये मुगलाई दौर की बिरयानी है, जब मुग़ल हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो उस वक्त ये बिरयानी बन रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस ईद पर आप ज़रूर बनाएंगे स्पेशल बिरयानी और हमारे शो फूड स्टेशन का नाम ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि वॉल्स डिलाइट जो है वो आपके लिए इतनी आसानी से, आराम से और आपको बेहतरीन रेसिपीज दे रहा है, ताकि ये कि आप अपने घर पर झटपट मुश्किल से मुश्किल रेसिपी को आसान करके हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो वॉल्स क्रीमी डिलाइट, जिसका ये कहना है कि बेहतरीन डिज़र्ट के लिए वॉल्स क्रीमी डिलाइट, जो मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज सिखाई हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस ईद पर आपके दस्तरखान पे वॉल्स क्रीमी डिलाइट आसानी से, जब आप बिरयानी बना चुके होंगे, बहुत ही मेहनत कर ली होगी, बहुत सारा पसीना आपको आ चुका होगा, उसके बाद फिर मीठा बनाने का टाइम नहीं होता, तो मीठे पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो उससे बेहतर है कि आप 230 रुपए में मार्केट से फैमिली पैक वॉल्स क्रीमी डिलाइट का, मुख्तलिफ फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है, मैंगो है, पिस्ता है, टूटी फ्रूटी है, फालूदा है, अपना कुल्फा है, हर तरह का फ्लेवर, चॉकलेट है, जो भी आप फ्लेवर चाहते हैं। इसलिए कि ये जो फ्लेवर है ना, ये बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है, बूढ़ों को भी पसंद आता है, हर तरह के लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब आप मिठाई की तरफ चले जाएं तो मैच्योर किस्म के लोग तो मिठाई खाते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे होते। तो आपको हर तरह के फैमिली में बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, सबका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो इसमें आप जो है बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जी यहाँ पर हमारे पास जब प्याज फ्राई हो गई है, तो इस वक्त मैंने जो गरम मसाले साबुत डाले थे और प्याज डाल दी थी, अब मेरे पास है यहाँ पर ड्रमस्टिक, यानी कि मैंने सिर्फ रान ली है जो मुर्गी की, और उस पर कट भी लगा रखा है, ठीक है। इसकी खुशबू, इसकी महक को दूर करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर देना है रान, और इसे इसके साथ हमने बनाना है, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर से जो महक है वो दूर होना ज़रूरी है। वरना क्या होता है कि हम चिकन की, मटन की जो महक है ना, उसकी वजह से फिर सारा खाना जो है ना वो ख़राब हो जाता है, हम इंजॉय नहीं करते, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो है चिकन के अंदर कट लगाया हुआ है, ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से आ जाए, और उसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं, उसको तैयार करना है। बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते रहेंगे कि कैसे बनाना है। और इसी तरह से हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ आगे भी आने वाली हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने ईद की तैयारी, जैसे हमने रमज़ान की तैयारी आपको करवाई थी, वैसे ईद की भी तैयारी करवाने जा रहे हैं, ताकि आप मज़ेदार खाने अपने घर पर तैयार कर लें। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास जब ये चिकन थोड़ी सी, ये देखिए कलर इसका चेंज होने लगा, और ये पिंक से थोड़ा वाइट की तरफ आने लगी, यानी कि पूरा पूरा फुल डन नहीं करना है आपने, और हल्का सा ये जैसे कि इसका कलर चेंज होगा ना, तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो गरम मसाले हमने डाले हैं साबुत, उसकी खुशबू और साथ में इसके साथ जो प्याज है उसकी खुशबू जब आ जाएगी ना, तो फिर क्या बात है, मज़ेदार सी चीज़ तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, और इसके साथ सारे मसाले, ठीक है, जिसमें मेरे पास हल्दी है थोड़ी सी, गरम मसाला है, ठीक है, और धनिया पाउडर है, काली मिर्च है, और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर है, और अब मैं इसमें शामिल करूंगा नमक। हमने राइस में भी नमक डाला है, तो नमक ख्याल रखना है, इसलिए कि इस वक्त जो है ना मौसम में लोगों के ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो रहा है, तो नमक का ख्याल रख के इस्तेमाल करें, और रेड सॉल्ट यानी कि पिंक सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो यहाँ हमारे पास जो हमने राइस में भी डाल दिया था नमक, और अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है जी, उसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा, और इसके साथ लेमन जूस हमने लास्ट में ऐड करना है, लेकिन पहले हम इसे ये देखें इस तरह से भून लेंगे, इसका मसाला बहुत ही अच्छी तरह से बुन जाना चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए कलर आ गया है बहुत अच्छा सा, जब ये पोजीशन हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर शामिल कर देना है दही, और दही जो है ना इसका सारा फ्लेवर बनाएगी, ठीक है, ये देखिए ओहो ज़बरदस्त कोरमे का कलर जो है ना
वो भी आपके सामने आ रहे हैं और इसको जो है हमने थोड़ी देर ढक्कन लगा के छोड़ना है। लेकिन इससे पहले मैंने इसमें शामिल करना है क्या, हरी मिर्चें, थोड़ा सा लेमन जूस और एक चुटकी ज़ाफ़रान, ठीक है। और इसके बाद इसको जब ये पक जाएगा इसके ऊपर हम लगा देंगे ढकना, ढकना इसका। मैं जब तक ढकना ले रहा हूँ आप चल कर देखें रेसिपी कार्ड। शाही बिरयानी चिकन बनाने के लिए चिकन ड्रमस्टिक 700 ग्राम, लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, नींबू का रस दो खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, जाफरान एक चुटकी, दही एक कप, तेल हसबे जरूरत, नमक हसबे जायका। कोरमा बनाने के लिए प्याज दो अदद, दही एक पाव, अदरक लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई एक चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला आधा कप, खुश्क खुबानी 100 ग्राम, आलू बुखारा 100 ग्राम, बादाम 20 ग्राम, पिस्ता 20 ग्राम, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, तेल 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हसबे जायका। चावल बनाने के लिए सेला चावल आधा किलो, तेजपात 2 से 3 अदद, शाह जीरा आधा चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका। चिकन बनाने का तरीका, मिक्सिंग बाउल में दही के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके चिकन को मैरिनेट कर लें। पैन में तेल गरम करके चिकन को फ्राई कर लें। अब इसमें दही को फेंट कर शामिल कर लें और हल्की आंच पर दम पर लगा दें। दही जज्ब हो जाए तो उतार कर एक तरफ रख दें। कोरमा बनाने का तरीका, पैन में तेल गरम कर लें और साबुत मसालों को कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज अदरक लहसुन को फ्राई कर लें। पहले से तैयार चिकन का अमेजा शामिल करके मिक्स कर लें और पैन में डालकर भून लें। हसबे जरूरत पानी शामिल करके कोरमा इतना पकाएं कि तेल छोड़ दे। अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करके मिक्स कर लें और उतार कर एक तरफ रख दें। चावल तैयार करने का तरीका, चावलों को धोकर 2 घंटे के लिए भिगो लें। पतीली में शाहजीरा, नमक, पानी और तेजपात शामिल करके इतना पकाएं कि खुशबू आ जाए। अब इसमें चावल शामिल करके एक कनी बॉईल कर लें और निकाल कर छान लें। तह लगाने का तरीका, पतीली में कोरमे की तह बिछाएं, ऊपर आधे चावल डालें, फिर ड्रम स्टिक रखें, फिर कोरमा, हरी मिर्चें डालें, फिर चावल, फिर बचा हुआ कोरमा और चावल बिछाएं। अब इसे दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें और सर्व करें। बॉस क्रीमी डिलाइट प्रेजेंट फूड स्टेशन विद शेफ गुलजार में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपने कोरमे की तरतीब समझ ली होगी, किस तरह से उसको बनाना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी जो है ना, ये समझ लें ईद का तोहफा है आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से मज़े मज़े की चीज़ें झटपट अपने घर पर तैयार कर सकें। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि बिरयानी बहुत ही मुश्किल चीज़ है, कुछ भी नहीं है। आपने अगर तैयारी अच्छी की हुई है, आपके पास आपके दिमाग में कैलकुलेशन हुई भी है रेसिपी के बारे में जो आप बनाने जा रहे हैं पहले से, तो फिर कभी भी कोई रेसिपी आपके लिए मुश्किल साबित नहीं होगी। आप हंसते खेलते प्यार मोहब्बत के साथ जो है रेसिपी को तैयार कर सकते हैं और कोई मसला नहीं आएगा। हमने यहाँ चिकन को डाल दिया मसालों के साथ पकने के लिए और इसके बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ, इसे दोबारा से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये देखें कलर इसका खूबसूरत तरीन होता जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ये इसमें हमने चीज़ें ऐड करनी है और भी, और उसमें है ये है, इसके बगैर तो फिर बिरयानी मुकम्मल नहीं है ना। इसको वॉश ज़रूर कर लिया करें। क्या नाम है इसका, आलू बुखारा, यस बुखारा बुखारा आलू बुखारा, ठीक है। ये चला गया इसमें और इसके साथ ये खुबानी शाही जो हमारे पास बिरयानी बनती है उसमें ये खुबानी जो है ना, ये हल्का सा मिठास भी आती है इसमें, खटास भी होती है। और इसमें हमारे पास है बादाम और पिस्ता, थोड़ा सा बादाम पिस्ता इसमें ऐड करेंगे और बाकी ऊपर से गार्निशिंग के लिए हमने बचा के रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसलिए कि ये जो इसके अंदर जाएगा ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसे मिक्स किया मैंने और मसाले को ऊपर नीचे किया और उसके बाद इसे हमने ढकना लगाकर छोड़ दिया बनने के लिए, ठीक है जी। ये चला गया इसमें, ठीक है। अब हमने क्या कर रहा है कि जिस पतीले में अक्सर हम जब राइस बनाकर रखते हैं तो राइस हो जाते हैं ठंडे,
और राइस को दम लगाने के लिए लाजमी है कि थोड़ा सा पानी और ऑयल का मिक्स करें, उसको उसमें शामिल करें। तो उससे क्या होगा कि आपके हर एक एक दाना जो राइस का है वो बेहतरीन तरीके से खिलेगा। और दूसरा ये कि उसमें चिकनाहट होगी, आपको रायते की या कचूमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद बिरयानी इतना मज़ेदार बिरयानी होनी चाहिए कि वो फिर उसमें जो है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, तो मज़ेदार सब होता है। और अक्सर लोग बग़ैर टेस्ट किए बिरयानी में रायता डालकर और उसका टेस्ट ख़राब कर देते हैं। उनको खुद को नहीं पता चलता कि बिरयानी बेसिकली है कैसी। बिरयानी को पहले टेस्ट करें, अगर आपको अच्छी लगती है, आपके टेस्ट के मुताबिक है, तो आप बिरयानी को इस्तेमाल करें। रायता फौरन ना डालें जब तक उसको चेक ना कर लें कि इसमें बिरयानी में क्या फ्लेवर है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है। यहाँ मेरे पास एक प्याला है और इसके अंदर जो मैंने आपको कहा कि टेस्ट को कैसे हम बनाएंगे, थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल ले लिया, ये है केवड़ा एसेंस, चंद कतरे, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ वो चीज़ जो बिरयानी में हम ऊपर से दम पर लगाते हैं, तो उसकी खुशबू जो है ना वो अच्छी रहती है। और दूसरा ये कि बिरयानी के राइस के अंदर एक एक राइस में जो चिकनाहट आती है ना उसकी वजह ये होती है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, ठीक है। ये मैं जब दम पे लगा रहा हूँगा ना, ये मैं राइस के ऊपर से डालूँगा और इसे हम दम पर छोड़ेंगे, तो आप देखिएगा राइस खिले खिले खूबसूरत और लाजवाब किस्म का राइस होगा, ठीक है जी। और इसके साथ आप अगर जैसे हम ज़ाफ़रानी बिरयानी जो है वो बना रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़ाफ़रान इस पर ऐड कर दें और इसे कर दें मिक्स। यस, ये मेरा एक महलूल तैयार हो गया। ये अक्सर आप कभी जो देगी बिरयानी बनाते हैं तो आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े देगों पे जब खाना बन रहा होता है ना, तो उसके बाद जब वो दम पे लग रहा होता है तो बड़े बड़े प्याले होते हैं उनके पास चमचे वाले, उससे वो पानी में ऑयल मिक्स करते हैं, घी मिक्स करते हैं। वैसे घी का ज़्यादा दौर है, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी और पानी और केवड़ा ऐसे मिक्स करते हैं, वो ऊपर से यूं यूं करके डालते हैं और फिर दम पे लगा देते हैं। तो फिर क्या होता है कि राइस की खुशबू दूसरे वाले घर तक भी पहुँचती है कि भाई वहाँ पर ये वाकई बिरयानी जो है मज़ेदार तैयार हो रही है। चलें जी, अब टाइम हो गया है फाइनली इसको डन करने का। और यहाँ मेरे पास ज़बरदस्त से कोरमा, डन डन डन, मसाला देख लें इस तरह का, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इसमें से थोड़ा मसाला आपने पहले डाल देना है पतीले में ताकि नीचे ना लगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा डाल दिया मसाला इसमें और इसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। ये राइस आप देख सकते हैं तेज पात और जीरे के साथ बने हुए राइस, ठीक है जी। और इसके बाद इसे आपने जब सारे राइस इसमें ऐड कर दिए, इसके बाद इसको आपने फैला देना है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ये सारा मसाला इसमें आ गया, ठीक है जी। और ये जो मैलूल है जो मैंने बना के रखा था, ये हमने इसकी साइड से इसमें डाल दिया और ये चला गया दम पर, ठीक है जी। चलो जी, और इसे हम दरमियानी आंच पर दम पर लगा देंगे, ठीक है। और ये जब तक ये तैयार हो रहा है, मैं जा रहा हूँ अपने दूसरी रेसिपी की तरफ और वो है पीच वॉल्स क्रीमी डिलाइट। पीच जो है उसका हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक स्मूदी समझ लें। और पीच इस वक्त मार्केट में है और आपको यकीन करें, ये आड़ू जिसको पीच कहते हैं, इसको खाने से इंसान की उम्र लंबी होती है, ठीक है जी। चलें, जब तक मैं यहाँ थोड़ी सेटिंग करता हूँ, सफाई सफाई करता हूँ, आप चल के रेसिपी कार्ड दोबारा देख लें ताकि आपको याद हो जाए कि बिरयानी बनानी कैसे। चलें, बिरयानी चिकन बनाने के लिए चिकन ड्रमस्टिक 700 ग्राम, लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, नींबू का रस दो खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, जाफरान एक चुटकी, दही एक कप, तेल हसबे जरूरत, नमक हसबे जायका। कोरमा बनाने के लिए
प्याज 2 अदद, दही 1 पाव, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1/2 कप, खुश्क खुबानी 100 ग्राम, आलू बुखारा 100 ग्राम, बादाम 20 ग्राम, पिस्ता 20 ग्राम, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, तेल 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हसबे जायका। चावल बनाने के लिए सेला चावल 1/2 किलो, तेजपात 2 से 3 अदद, शाह जीरा 1/2 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका। चिकन बनाने का तरीका, मिक्सिंग बाउल में दही के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके चिकन को मैरिनेट कर लें। पैन में तेल गरम करके चिकन को फ्राई कर लें। अब इसमें दही को फेंट कर शामिल कर लें और हल्की आंच पर दम पर लगा दें। दही जज्ब हो जाए तो उतार कर एक तरफ रख दें। कोरमा बनाने का तरीका, पैन में तेल गरम कर लें और साबुत मसालों को कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज अदरक लहसुन को फ्राई कर लें। पहले से तैयार चिकन का अमेजा शामिल करके मिक्स कर लें और पैन में डालकर भून लें। हसबे जरूरत पानी शामिल करके कोरमा इतना पकाएं कि तेल छोड़ दे। अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करके मिक्स कर लें और उतार कर एक तरफ रख दें। चावल तैयार करने का तरीका, चावलों को धोकर 2 घंटे के लिए भिगो लें। पतीली में शाहजीरा, नमक, पानी और तेजपात शामिल करके इतना पकाएं कि खुशबू आ जाए। अब इसमें चावल शामिल करके एक कनी बॉईल कर लें और निकाल कर छान लें। तह लगाने का तरीका, पतीली में कोरमे की तह बिछाएं, ऊपर 1/2 चावल डालें, फिर ड्रम स्टिक रखें, फिर कोरमा, हरी मिर्चें डालें, फिर चावल, फिर बचा हुआ कोरमा और चावल बिछाएं। अब इसे दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है, तो मैंने अपनी तैयारी कर ली है कि इसको डिश आउट अच्छे से खूबसूरत से प्लेटर में करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊँ, जब तक ये दम पूरा हो रहा है, इसमें से धुआं आने लगा है, खुशबू बहुत अच्छी सी इस वक्त फैल चुकी है हमारे पूरे किचन में, और मैं जा रहा हूँ वॉल्स क्रीमी डिलाइट स्मूदी बनाने के लिए, वो भी पीच के साथ। पीच, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पीच जो है ये जैपनीज लोग इसको कहते हैं कि ओल्ड फ्रूट, यानी कि बहुत ही पुराना ज़माने का ये फ्रूट मौजूद है और इसको खाने वाले लोगों की उम्र भी ज़्यादा होती है। तो पीच खाएं, ज़िंदगी को आसान बनाएं, और इसके ऊपर जो मखमल का कवर होता है उसको ज़ाया ना करें। सबसे फ़ायदेमंद चीज़ वो होती है आपके मेदे में जो जरासीम या बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़त्म करने में बेहद मददगार साबित होता है। तो पीच को धोकर साफ़ करके आप छिलके के साथ खाएँ। छिलका उतार दिया तो फिर पीच का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है जी, हाँ, हमारे पास वॉल्स क्रीमी डिलाइट का मैंगो फ्लेवर मौजूद है और इसके डब्बे का रोज़ाना मसला होता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसे कभी भी वॉल्स क्रीमी डिलाइट के डब्बे को ख़राब ना करें और इसको आसानी से लॉक इसका ये देखें, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, आराम से इसको आपने खोला, देखें खुल गया ये, और ये देखें पूरे डब्बे को आप आसानी से ओपन कर सकते हैं, और ये आपका पूरा आइस वॉल्स क्रीमी डिलाइट आपके सामने आ गया। ठीक है, अब इसे आप स्कूप से इस्तेमाल करें, जैसे भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ले आया मशीन और इसके अंदर जो है मैंने शामिल कर देना है, और ठीक है जी, और यहाँ मेरे पास है बहुत सारा पीच, यानी कि आड़ू, 2 से 3 आड़ू मैंने लिए हैं, और इसके बाद इसे मैंने डाल दिया मशीन में, और इसके साथ ये जो है मैंगो और पीच को मैंने मिक्स किया है दोनों को। ठीक है, मैंगो और पीच, यानी कि मैंगो को और आड़ू को हमने दोनों चीज़ों को मिक्स किया है। हमने आइसक्रीम लिया है मैंगो फ्लेवर में, और फ्रेश जो है मैंने आड़ू लिया है। ठीक है, ये हमने इसको दोनों को मिक्स कर देना है। चलें जी, वॉल्स क्रीमी डिलाइट में हम इसको मिक्स करेंगे जी, और इसका पैक सिर्फ 230 रुपए का है और आपके लिए हेल्दी भी है, और
जैसे कैलरीज हम बहुत ज़्यादा मिठाई वगैरह से ले लेते हैं और ओवर ईट कर लेते हैं, अपना वजन बढ़ा लेते हैं, तो इससे बेहतर है कि कम कैलरीज में जो है ना ये वॉल्स क्रीमी डिलाइट आपको मिलता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा रखना है इसको, इसलिए कि मज़ा उसी वक्त है जब इसको आपने ओवर, मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब पानी ले लिया और इसे हमने अच्छा एक आध दफा बंद जरूर करें इसलिए कि सारी चीजें मिक्स हो आपस में। चले जी ये हो गया मिक्सिंग कंप्लीट और इसे हम आउट करते हैं मैं खूबसूरत से गिलास के अंदर। यस ये आ गया जबरदस्त सा पीच शेक विद वॉल्स क्रीमी डिलाइट। और इसके साथ मैंने जो है ना एक और चीज थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हमने आड़ू बचा के रखा हुआ था ताकि इसकी गार्निशिंग हो सके। और इसे लाजमी बच्चे बड़े शौक से इसे देखते हैं इसलिए कि जब आप इफ्तार में या ईद के ज़माने में आप अपने बच्चों के सामने से सर्व करेंगे ना तो वो बड़े खुश होकर इसे इंजॉय करते हैं, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास एक और पीस और ये आ गया फाइनली ठीक है जी। ये हमारी ड्रिंक हो गई है तैयार। अब जा रहे हैं हम कहाँ, यस शाही बिरयानी की तरफ। और शाही बिरयानी जो है इस वक्त इसकी खुशबू जो है ना लाजवाब सी आ रही है। देखते हैं क्या पोजीशन है और इसे हम डिश आउट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्लेटर जो तैयार किया है और उस पर हमने बिरयानी को डिश आउट कर लेना है, थोड़ी सफाई सफाई और इसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को करते हैं ओपन। ये देखिए धुएंदार बिरयानी फाइनली, इसको करें मिक्स और ये देखें बादाम पिस्ते से भरपूर। बेहतरीन से ड्रमस्टिक के साथ थोड़े से वाइट राइस नजर आ रहे होंगे आपको। अच्छा इसमें कलर वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करते तो बगैर कलर के लेकिन बहुत ही खुशबूदार बिरयानी फाइनली तैयार हो चुकी और इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं रेड कलर और चीना दिन। तो ये पिस्ता बादाम जो हमारे पास बाकी मौजूद है ज़रा वो ले आइएगा, पिस्ता बादाम जो हमने रखा था। तो पिस्ता बादाम अगर आपके पास जैसे बच गया है तो उसके साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है, खुशबूदार और मज़ेदार, ठीक है जी। इर्सा सलमान पूछ रही हैं, मैसेज है उनका कि ये वाकई लो कैलोरी होती है। बिल्कुल लो कैलोरी होती है, आप यकीन करें जो भी मीठे हम इस्तेमाल करते हैं इफ्तार में या ईद के मौके पर उन सब से लो कैलोरी होती है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा कि वाकई लाइट है और मज़े का मज़ा भी है, इसलिए कि नमकीन खाने के बाद आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ आ गया पिस्ता और बादाम और ये हमने लास्ट में इसके ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है जी। और ये हो गई हमारी रेसिपी कंप्लीट, शाही बिरयानी और इसके साथ वॉल्स क्रीमी डिलाइट पीच स्मूदी, दोनों चीज़ें तैयार हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए। वॉल्स क्रीमी डिलाइट प्रेजेंट फूड स्टेशन विद शेफ गुलजार में
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जिंदगी रहते, अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड चाओ। शाही बिरयानी, चिकन बनाने के लिए चिकन ड्रमस्टिक 700 ग्राम, लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, नींबू का रस दो खाने के चम्मच, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, जाफरान एक चुटकी, दही एक कप, तेल हसबे जरूरत, नमक हसबे जायका। कोरमा बनाने के लिए प्याज दो अदद, दही एक पाव, अदरक लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई एक चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला आधा कप, खुश्क खुबानी 100 ग्राम, आलू बुखारा 100 ग्राम, बादाम 20 ग्राम, पिस्ता 20 ग्राम, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, तेल 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हसबे जायका। चावल बनाने के लिए सेला चावल आधा किलो, तेजपात 2 से 3 अदद, शाह जीरा आधा चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका। चिकन बनाने का तरीका, मिक्सिंग बाउल में दही के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके चिकन को मैरिनेट कर लें, पैन में तेल गरम करके चिकन को फ्राई कर लें, अब इसमें दही को फेंट कर शामिल कर लें और हल्की आंच पर दम पर लगा दें, दही जज्ब हो जाए तो उतार कर एक तरफ रख दें। कोरमा बनाने का तरीका, पैन में तेल गरम कर लें और साबुत मसालों को कड़कड़ा लें, अब इसमें प्याज अदरक लहसुन को फ्राई कर लें, पहले से तैयार चिकन का मेजा शामिल करके मिक्स कर लें और पैन में डालकर भून लें, हसबे जरूरत पानी शामिल करके कोरमा इतना पकाएं कि तेल छोड़ दे, अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करके मिक्स कर लें और उतार कर एक तरफ रख दें। चावल तैयार करने का तरीका, चावलों को धोकर दो घंटे के लिए भिगो लें, पतीली में शाह जीरा, नमक, पानी और तेज पात शामिल करके इतना पकाएं कि खुशबू आ जाए, अब इसमें चावल शामिल करके एक कनी बॉईल कर लें और निकाल कर छान लें। तह लगाने का तरीका, पतीली में कोरमे की तह बिछाएं, ऊपर आधे चावल डालें, फिर ड्रम स्टिक रखें, फिर कोरमा, हरी मिर्चें डालें, फिर चावल, फिर बचा हुआ कोरमा और चावल बिछाएं, अब इसे दम पर लगा दें, दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें और सर्व करें।